ऐसी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि जिस चीज से हमें सक्सेस मिल सकती है। आज हम सबको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आज आप सब एक अच्छे स्टेनोग्राफर हो, बट हम जब स्टेनो के प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे माइंड में बहुत सी ऐसे निगेटिव थिंकिंग आते हैं जो हमें हमारे गोल से दूर कर देती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे चार सक्सेस की शेयर करने वाला हूँ कि वो चीज़ को अगर हमने समझ लिया ना तो सही मायने में हम अपने अचीवमेंट को पा लेंगे। तो उसमें सबसे पहली है हार्ड वर्क, सेकंड है नो एक्सक्यूज, थर्ड है मन के हारे हारे मन के जीते जी, और फोर्थ है अपनी कमजोरी। अगर ये चार चीज अगर हमने समझ ली ना तो समझ लो हमने सही मायने में लाइफ को जी लिया। तो सबसे पहला हार्डवर्क, तो हार्डवर्क के बारे में क्या गया है कि हार्डवर्क बीइंग सक्सेस, यानी सक्सेस अगर पाना है ना तो सक्सेस की शुरुआत कहाँ से होती है, हार्डवर्क से। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ या ऐसा कोई महान व्यक्ति या साइंटिस्ट या इंजीनियर या कोई महान मोटिवेशनल स्पीकर जो बिना हार्डवर्क के एक अच्छी पोस्ट पे चल गया होगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आज मैं आपको एक साइंटिस्ट के फील्ड में एक ऐसे महानायक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको मैं बताता हूँ। हार्डवर्क क्या है सही मायने में देखा जाए ना तो हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के स्टोरी से हमें समझ में आती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म एक गरीबी फैमिली में हुआ है और वो अखबार यानी क्या न्यूज़पेपर बेचकर अपनी स्टडी की, हार्डवर्क किया, बट नो एक्सक्यूज। उस समय अगर वो एक्सक्यूज दे देते कि मैं तो बहुत गरीब हूँ तो क्या आज हमें साइंस के फील्ड में एक महानायक साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें नाम सुनने में मिलता नहीं है। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप हार्डवर्क करोगे ना तो ही हमें वो चीज हम मिल सकती है। और एक महानायक की जिन्होंने संविधान की रचना की, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, यह भी एक गरीब फैमिली से ही थे मगर क्या हार्डवर्क किया, मेहनत की, अच्छी स्टडी की, बहुत से दुख सहन किया और आज संविधान के महानायक हैं। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों ऐसा है कि लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए या अच्छी कोई चीज अगर हमें पानी है ना तो दुख तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर आध्यात्मिक के भाषा में बोला जाए तो संसार ये तो दुखमय है कि नहीं। अगर दुख है तो ये तो सुख है ना। यानी कहने का तात्पर्य आपको है ना हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। फिर और एक चीज, अभी आप सब देखो कि स्टेनो की प्रैक्टिस करते हो तो भी आपके मन में एक कभी कभी शंका आती है, सर कि हम स्टेनो का प्रैक्टिस तो करते हैं मगर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हम स्टेनो नहीं बट और कोई गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं मगर हमें वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर वो कब मिलेगी मालूम है, जब हमारे अंदर है ना एक समर्पण की भावना आएगी, यानी अपने आप को है ना उसमें डाल दे। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो अपनी मम्मी के साथ वो कहीं जाता है बाजार में और वो देख लेता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, वो ये नहीं सोचता कि उसकी मम्मी के पास पैसा है कि नहीं है, सिर्फ क्या उसे आइसक्रीम खाना है। वो अपनी मम्मी को क्या बोलता कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, मम्मी बोलती कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, वो रोता है, वो रोता है, मम्मी नहीं मानती, फिर और रोता है। मगर देखना एक बार एक सीन ऐसा हमारे सामने आता है कि वही रोने वाला बेटा हंस रहा है और आइसक्रीम खा रहा है। अब वो ना जाने अब उसकी मम्मी ने वो आइसक्रीम वाले भाई के पास गई, उन्होंने वहां पैसा दिया या घर गए वहां से पैसा लेकर, मगर उसको आइसक्रीम मिला। यानी कहने का था वो क्या जिद्दी था। तो जब तक हम लोग है ना जिद्दी नहीं बनेंगे ना तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो अगर कोई चीज पानी है ना तो उसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। आ गया भाई सर हमने तो फॉर्म भर दिया, स्टडी कर रहे हैं, बस एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ोगे तो फिर क्या गवर्नमेंट जॉब लगने वाली, तो क्या जिद्दी।
जो इंसान जिद्दी होता है ना उसे रात को सब क्या नींद नहीं आती, वो वही सोचता रहता है। अगर हमें के गांव जाना है तो देखना माइंड में वही चलता है हमारा, ये स्टेशन पे जाएंगे वहां पे समोसा खाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, है ना, वो माइंडिंग में हमारा चलता कि नहीं। ऐसा ही हमारा जो गोल है ना गोल, वो हमेशा हमारे माइंड में होना चाहिए, तब जाकर हमें सक्सेस मिलती है। और क्या मैंने बोला था, अपने आप को दिल से उस चीज में डाल दो, यानी कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति जब पूरे अपने आप को है ना उस चीज के लिए अगर समर्पित हो जाए ना उसे वो चीज मिल जाती है। यानी कहने का तात्पर्य हम जो चीज कभी स्टडी कर रहे हैं फिर वो स्टेनो हो कि अदर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी हो, अपने आप को उसमें डाल दो। ऐसा नहीं सोचो कि हम लोग अब मैरिड पर्सन है, हम लोग दूर रहते हैं, या मैं जॉब करता हूँ मुझे टाइम नहीं मिलता, सर बिल्कुल नहीं सोचो। क्योंकि देखो जिस दिन आपके माइंड में एक्सक्यूज नहीं रहना तो समझ लेना आप सक्सेस पाल होगी, क्योंकि मालूम है जब जब आप एक्सक्यूज दोगे ना तब तक आपको सक्सेस आपसे दूर भागेगा। जिस दिन आपने क्या एक्सक्यूज दिया ना, यानी क्या ये प्रॉब्लम वो दिन अगर आपने स्टॉक मार दिया ना तो समझ जाना आपने सक्सेस पा लिया। तो जो एक्सक्यूज है वो हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजरस एक वायरस है जो हमारे अंदर में है ना चला जाता है। और ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको है ना निगेटिव करते हैं। एक बार एक लड़की खेल रही थी, वही बाजू में है ना एक कुआ था, तो एक अंकल जी थे वहाँ पे, वो कुएं में से पानी निकाल रहे थे, तो क्या हुआ कि अचानक उनका पैर वहाँ से फिसल गया और वो अंदर में गिर गए। अब वो अंदर में गिर गए तो क्या हुआ कि उस टाइम को वहाँ पर कोई नहीं था सिर्फ उस लड़के के अलावा, वो अंदर में बोल रहे थे बचाओ 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 वहाँ पे कर रहे थे। तो वहाँ पर वो जो थी ना लड़की उसने देखा कि मुझे आवाज कहाँ से आ रहा है। जब वो वहां पर जाकर देखा तो क्या देखती है कि उस वेल के अंदर यानी उस कुआं के अंदर कोई इंसान गिरा हुआ था और वो रो रहा था और चिल्ला रहा था। तो वो लड़की ने बिना कुछ सोचे, सिर्फ 7 साल की लड़की थी, अब देखो 7 साल की लड़की को क्या कुछ समझ आता है, उसने बिना सोचे वहां पर जो दौर पड़ी थी वो उसने अंदर में डाला। जैसे तैसे बहुत बार उसने कोशिश की ट्राई किया और एक बार हमारे सामने एक ऐसा सीन आया कि वो अंकल वेल के बाहर आ चुके। और जब ये बात ये पूरे गांव में पता चली सब लोग दौड़कर आए और उस बेटी को कहते हैं कि हम तो जानते हैं कि तू इतनी छोटी है और ये अंकल इतने बड़े इतने हैवी अंकल को आपने बाहर कैसे निकाल दिया। तो उसने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला कि मैं ये चीज नहीं कर सकती, ऐसा बोलने वाला मुझे वहां पर कोई नहीं था। और उसके बाद एक बात होती है कौन सी, वो है कमजोरी। अपनी जो होती है ना कमजोरियों को ये कभी सामने नहीं आने देना। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा स्टीफन हॉकिंग, एक साइंटिस्ट है कि जिन्होंने न्यू ब्लैक होल की देखो थियरी दी थी। ये साइंटिस्ट के बारे में एक अच्छी मतलब एक ऐसी स्टोरी है ना कि वो सुनकर हमको है ना बहुत आश्चर्य लगेगा। और एक समय ऐसा आया उन्हें एक ना रोग लग गया, वो बीमार हो गए। डॉक्टर ने बोला कि ये है ना सिर्फ 2.5 साल जी सकते हैं, मगर देखो जब हमारे अंदर अगर है ना विल पावर हो ना विल पावर मैंने बोला था ना मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो जब हमारे अंदर विल पावर हो तो जब वो हॉस्पिटलाइज थे तब उन्होंने देखा कि उनके बाजू में एक मरीज था तो बहुत रो रहा था, उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। तब उसने देखा कि इसे तो मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसके कंपेयर में तो मैं अच्छा हूं। तो उसने सोचा कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूं। उसने सोचा तो क्या मालूम है जो 2.5 साल के बाद ऑफ होने वाला था उसने 76 ईयर तक जिया। बहुत बड़ी बात है कि और अभी 2018 में यानी मार्च में आई थिंक 14 मार्च को ऑफ हुए थे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सिर्फ 2.5 साल जीने वाला था उसने 76 ईयर्स का लाइफ का उसने सफर किया। यानी क्या हम जो सोचते हैं ना वही होता है। अगर आपने ठान लिया ना कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, अगर आपके तकदीर में नहीं है ना तो भी आपको मिलेगा। और एक चीज बोला मैंने कमजोरी,
देखो कि कभी भी अपनी कमजोरी होती है ना, हमें इस कमजोरी के अब पीछे नहीं जाना, इस कमजोरी को अपने ढाल बनाने ढाल, और उस कमजोरी से है ना हमें सामना करना है, हमें लड़ना है। और देखना एक समय ऐसा आता है, हमें बाद में पता चलता है कि वही कमजोरी हमारी है ना गॉड गिफ्ट बन जाती है। आज मैं है ना आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको मैं बताता हूँ, शायद ही आप उस व्यक्ति को जानते हो। बहुत ऐसा एक सामान्य परिवार में उस भाई का जन्म हुआ, गरीब था, स्कूल में भी स्टडी में भी बहुत अच्छा था, स्कूल में फर्स्ट नंबर आता था, बट उसे प्रॉब्लम थी, उसे हकलामन था, यानी बोलने में वो है ना अटकता था, हम जो स्टमरी प्रॉब्लम नहीं बोलते, तो बोलने में वो है ना अटकता था। तो एक बार क्या हुआ कि 2009 में उसके फादर है ना एक्सपायर हो गए, ओवर टेंशन में आ गया वो, और दुख में वो और इतना ज्यादा हकलाने लग गया कि अगर उसे स्कूल में कोई बोले ना कि आपका नाम क्या है, तो आपका वो अपना नाम और फादर का नाम बोलने में उसे 20 मिनट लगता था, इतना हकलाता था वो। फिर क्या हुआ कि अभी पापा तो एक्सपायर हो गए, आगे स्टडी भी करना है, तो उसने क्या कि अब मिल में तो काम मैं नहीं कर सकता, अब मैं करूं तो क्या करूं, तो उसने है ना टीचिंग फील्ड को अपना लिया। और टीचिंग फील्ड उस भाई के लिए पूरी अलग थी, क्यों अलग थी, क्योंकि वो जो व्यक्ति अपना नाम नहीं बोल सकता वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो जब उसका फर्स्ट लेक्चर था ना, तो फर्स्ट लेक्चर में जब उसने फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट किया साइंस का, तो 100 में से 80% हंस रहे थे, और जो 20% है ना वो लोग ने सुन के उसे सपोर्ट कर रहे थे। तो मालूम है क्या हुआ, तो उस बंदे ने ना ये नहीं सोचा कि 80% लोग ये मुझे हंस रहे, उसने सिर्फ क्या देखा कि 20% लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और उसने अपनी यही चीज आगे रखी, सिखाया, और आज वही जो हकलाने वाला एक इंसान, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्रचारक और एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाना जाता है, यही नहीं वो आपके सामने खड़ा है, गोकुल राठौर। क्या कि हमारे अंदर जो कमजोरी है ना उसे शो मत करो, तैयारी करो। और देखो गवर्नमेंट जॉब तो मिलती ही है, जिन जिन लोगों ने है ना दुखों का सामना किया है, हार्डवर्क किया है ना, उसे तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी, क्यों, हार्डवर्क बींग सक्सेस। हाँ तो दोस्तों आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको घर बैठे ही स्टेनोग्राफी सीखकर एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया है। धन्यवाद।